Bro, he's going off this! कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि डैनी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर आज इस चर्च की जांच पड़ताल करने आया है। इस चर्च के बारे में ये कहा जाता है कि ये चर्च काफी पुराना और पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस चर्च की हालत देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चर्च कितना खंडर हो सकता है। डैनी जब यहाँ की जांच पड़ताल कर रहा था तो इसी बीच इस बंदे को दीवारों पर खून के धब्बे लगे हुए मिलते हैं, तुम लोग देख सकते हो। और यहीं पर अगर ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पर क्रॉस के साइन बने हुए हैं। और डैनी जैसे ही नीचे देखता है तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो किसी डॉल को फांसी लगाकर लटकाया गया है। अब ये सारी चीजें मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ होगा और गलत होता रहता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं और जाकर जांच पड़ताल करते हैं। खैर, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन अभी तक इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि जिसे ये लोग रिकॉर्ड करें और फिर ये कहें कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत होता होगा। लेकिन ये लोग फैसला करते हैं कि यार थोड़ी देर और रुक के देखा जाए, अगर हमें यहाँ से कुछ मिलता तो ठीक है, वरना हम लोग यहाँ से वापस घर चले जाएं। लेकिन तभी इन्हें नीचे वाले बेसमेंट में से अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। ये लोग बेसमेंट में उतरते हैं और नीचे जाते हैं तो तभी ये लोग क्या देखते हैं के सामने काला जादू किया जा रहा है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ से ये छुप छुप के देखते हैं और यहाँ पर ये स्टार बनाया गया है, यानी कि चारों तरफ मोमबत्तियां रखी हुई हैं और बीच में कोई उल्लू पड़ा हुआ है, कोई जानवर पड़ा हुआ है। तो ये नजारा देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर ये लोग एक नन को भी देखते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो नन अचानक से बाहर आ जाती है। ये लोग पीछे आकर छुप जाते हैं और ये सारा नजारा रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। जरा तुम लोग भी देखो कि ये नन किस तरह से काला जादू करती है और आगे इस वीडियो में क्या होने वाला है। अंदर दिस लाइट कमिंग फ्रॉम ओवर देयर ब्रो, ओह माय गॉड, इट्स नॉट इवन गॉट एन हेड, इट्स हेड्स बीन बिट ऑफ, ब्रो दिस इज समथिंग वॉकिंग ओवर देयर। हेलो, he's crossing the window too. He's been crossing the window. Try. What's going on, bro? You can't be moving. She seems to... Oh, shit. Oh no!
No, I'm free to you, Adam. Oh, she's more evil than ever. तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि नन को इस बात का पता चल जाता है कि कोई मुझे छुप छुप के रिकॉर्ड कर रहा है और ये नन पे हमला करने की कोशिश करती है, इनके पीछे भागती, इन्हें मारने की कोशिश करती है। तुम लोगों ने देख ही लिया है कि ये लोग किस तरह डर चुके हैं। ये लोग इस पूरे चर्च में भागते हैं, लेकिन ये इतना सीक्रेटली बनाया हुआ है कि ये लोग आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं। ये नन कई बार रिकॉर्ड होती है, कई बार इनके सामने आती है, लेकिन ये लोग भी हार कहाँ मानने वाले थे। खैर, यहाँ पर कुछ होता यूं है कि डैनी का जो ये फ्रेंड है, ये तो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन इसके आगे क्या होता है, किस तरह डैनी इस नन का सामना करता है, तो वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले तुम इस फुटेज को तो देखो। हेलो, hello? Oh no! What the hell? Ah! 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 इतना सब कुछ होने के बाद भी डैनी हार नहीं मानता है। डैनी यहाँ से नीचे जाता, देखने की कोशिश करता है कि आखिर नीचे क्या है। तो जैसे ये बंदा यहाँ पर आता, तो तुम लोग देख सकते हो कि चारों तरफ तबाही तबाही मची पड़ी है, चारों तरफ चीजें टूटी पड़ी हैं। तुम लोग देख सकते हो, बर्तन टूटे पड़े हैं, ऐसा लगता है कि मानो चर्च के नीचे किसी ने घर बनाया हुआ था और वो इस घर में रहता था, लेकिन अब वो कहाँ है इस बारे में कोई नहीं जानता। शायद वो नन ही हो जो कि यहाँ पर रहती हो, लेकिन इसी बीच डैनी का सामना इसी नन के साथ हो जाता है। और ये कितनी भयानक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने खुद ही देख लिया है। लेकिन अभी तुम लोग देखो कि डैनी के ऊपर ये नन किस तरह हमला करती है, इसे पकड़ लेती है, इसके ऊपर बैठ जाती है, इसे मारने की कोशिश करती है। ये नन कम और कोई राक्षस ज्यादा लग रहा है, कोई आदमी लग रहा है, तुम लोग देख सकते हो, लेकिन ये नन के बेस में कोई शैतान छुपा हुआ है। और ये डैनी को पूरी तरह से मारने की कोशिश करता है। आगे तुम लोग देखो क्या क्या डैनी मर जाता है या फिर वो बच पाता है। No! No! No!
देखा कि ये नन के बेस में शैतान डैनी को पूरी मारने की कोशिश करता है। डैनी और इस नन के बीच WWE की फाइट छिड़ जाती है। ये लोग दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। डैनी तो सामने ये लाल कलर का सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये उठा के नन को मार देता, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी निकलती है, उसे ये बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन नन वापस से यही सिलेंडर डैनी को मारती है और डैनी पूरा जख्मी हो जाता है। डैनी पूरा खून से रंग जाता है और फिर भी ये दोनों हार नहीं मानते हैं, एक दूसरे को पूरी मारने की कोशिश करते हैं। खैर, डैनी यहाँ से भाग निकलता है। जब डैनी यहाँ पर आता है तो पीछे से वो नन वापस आ जाती है, इसे मारने की कोशिश करती है। इसे इस बार पकड़ लेती है लेकिन छोड़ने का नाम तक नहीं लेती। Oh no! Don't you dare! Don't you dare! डैनी किसी न किसी तरह बच के आ जाता है। और अब तुम लोग यहाँ पर देखो, जब डैनी थोड़ा और आगे बढ़ता है तो इसे यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि जगह जगह पर शराब पड़ी हुई है, जगह जगह पर खून लगा पड़ा है। और यहीं पर तुम लोग देख सकते हो कितनी सारी अजीबोगरीब हथियार पड़े हुए हैं, अजीबोगरीब तरह से खून पड़ा हुआ है। खून बिल्कुल ताजा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो अभी अभी किसी का खून किया। और डैनी तो इस बात से परेशान था कि कहीं मेरे फ्रेंड का ही खून तो नहीं हो चुका है। लेकिन जैसे डैनी थोड़ा और आगे बढ़ता है तो इसे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो डेड बॉडी पड़ी है, इसे देखकर डैनी और ज्यादा डर जाता है। डैनी हैरान हो जाता है कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी हो सकती है। लेकिन जैसे ही डैनी इस डेड बॉडी के ऊपर से ये कपड़ा हटाता है तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे, ये जो लड़की मरी पड़ी है, इसके टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे, यानी कि पैर अलग कटे पड़े थे तो हाथ अलग कटे हुए थे। डैनी ये नजारा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, आखिर ये सब किया किसने है। इस बारे में कोई
नहीं जानता, लेकिन इस कहानी में अब एक ट्विस्ट आ चुका है। यानी कि तुम लोगों को जैसा मैंने बताया था कि डैनी का फ्रेंड यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं गया है बल्कि इसी जगह पर छुपा पड़ा था। तो डैनी को वह मिल जाता है, लेकिन जैसे ये लोग ऊपर जाते हैं तो तुम लोग यकीन नहीं करोगे, ऊपर इन लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं था। वहाँ पर एक और साइको किलर आ जाता है। उस साइको किलर और नन की आपस में लड़ाई हो रही थी, तो इतनी देर में ये दोनों बंदे भी चले जाते हैं उस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए। यानी कि इन चारों की WWE की फाइट शुरू हो जाती है। ये सब एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और इसी फाइट में ये लोग भी हिस्सा ले लेते हैं। पहले तो ये लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन अब ये लोग खुद इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। तो तुम लोग देखो कि इस फाइट में कौन जीतता है, किसकी हार होती है और कौन जीतता है, ये तो हमें आगे चल के ही पता चलने वाला है। Bro, he's going off this! Come on, bro. एक दूसरे को जान से मार देने की धमकियां देते हैं, एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं, लेकिन कभी नन मारने लग जाती है तो कभी डैनी लोग इनको मारने लग जाते हैं। यानी कि ये लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इस एपिसोड की एंडिंग कुछ यूं होती है कि डैनी लोग साइको किलर को मार लेते हैं और जो नन थी वो तो भाग कर बाहर चली जाती है, लेकिन ये लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर लेते हैं। तो अब इस वीडियो के बारे में तुम्हारी क्या राय है कि कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड? वैसे तो ये एपिसोड पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड था और अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ इस तरह से बताया, इसकी स्टोरी को कुछ ऐसा रखा कि तुम्हें लगे कि हाँ यार ये रियल है, लेकिन ये रियल बिल्कुल नहीं था, ये एंटरटेनमेंट के लिए था। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।